बिहार सरकार के उद्योग विभाग की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, जो आज और कल दो दिवसीय इन्वेस्टर मीट है, जिसमें अभी का जो सेशन था टेक्सटाइल कंपनी का सेशन था, जिसमें उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी पहुंचे हुए थे, और जो इन्वेस्टर थे वो अब बिहार में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन जो बिहार के ही इन्वेस्टर हैं वो बाहर जाके अपना कंपनी स्थापित किए हुए थे, लेकिन अब बिहार में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, जिसके कारण उद्योग विभाग से एनओसी पर साइन भी किया गया है। जो इन्वेस्टर हैं और जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं समीर महासेठ, वो क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुना रहे हैं। चूँकि मेरा मानना है कि इस तरह का इन्वेस्टर्स मीट साल में एक बार जरूर होना चाहिए, ताकि आप लोग का दर्शन हो सके, आप लोग बिहार को आवे, बिहार के चीज़ों को समझें, बिहार के मिट्टी से प्यार करें। निश्चित तौर पे इस सत्र का जो मूल मंत्र है, यही मंत्र है कि जो बिहार का, जो हमारा अपना इतिहास है, जो 38 जिले का है, और जो बनावट है, जो पूरा भारतवर्ष में एक अपना इतिहास रखता था, फिर से बढ़ते बिहार में आपका, क्योंकि बिहार के लोग कहीं जाते हैं देश विदेश, उसे बनाने का काम करते हैं, ये मेन मंत्र है हमारा। हमारे लोग पर लोग विश्वास करते हैं, बिहारियों पर विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के नीचे, हमारे नीचे तक का सारे स्टाफ इसमें लगे हुए हैं, हम सबों को धन्यवाद देंगे। हमारे सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं, छायाकार बंधु, और सबों को धन्यवाद देंगे। सामने बैठे हम सबों का नाम लेने लगे तो 15 मिनट उसी में लग जाएगा। हम सबों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप आए और बिहार की इस मिट्टी को आप फिर से जीवंत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें पूरे देश में 1 to 10 में आना है। प्रथम केवल 3 साल में ये टारगेट है आपका, कि हम सच सोच के साथ बिहार को 3 वर्षों में 1 to 10 में लाना है, और 5 साल के बाद 1 to 5 में लाना है। यही दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी चीज़ों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हर एक जगह जहाँ पे साल भर में जमीन मिलता था, 1 सप्ताह से 10 दिन में दे रहे हैं सारे। और व्हाट मिराकल कैन डू, इट्स समथिंग मिराकल जो बॉम्बे में नहीं मिल सकता। So in just 56 days we started the factory and in 5 minutes everything was done. Electricity 6 din pehle papa bol rahe hain ki yaar electricity kaise aayega, abhi to transformer nahi aaya, but 24 hours mein mere paas transformer lag gaya and factory was able to start in just 56 days. The 15th of June we started. People told that you are mad, the factory will not able to run in Bihar. That was the core thought of the people, but I had strong feeling क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वापस मशीन ले जाएंगे यहाँ से, but core belief was that I have felt that people of Maharashtra loves their state very much, and I have felt that people of Bihar also love their state very much. ये मुझे ऐसा feel होता है। तो मेरे वो factory चालू हुई almost 2 महीना 1.5 महीना हुआ, तो that was the first madness story what I have done in Bihar. That Bihar नाम ही काफी है, मतलब जब हम बिहार बोलते हैं तो, और बिहार हमको क्या देगी, इंडस्ट्री को क्या देगी, वो संदीप जी ने बहुत डिटेल्स में बताया है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या देने वाली है, क्या कर रही है और किस तरह की इनकी टीम काम कर रही है। मैं यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स है, उनको मैं इतना ही बोलूंगा कि ये समय और ये टीम दोनों ही बहुत ही अच्छा है, जिस तरह से अभी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट काम कर रही है। हमने बिहार में 1 साल पहले अपनी अलॉटमेंट लिया था, ऑल्दो हम थोड़ा स्लो हैं अपने यूनिट को चालू करने के लिए, उसके कुछ रीजंस है जो मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बताया हुआ है, और हमारी उम्मीद है कि हम 17 सितंबर 2024 को अपनी फैक्ट्री की उद्घाटन करेंगे। हम अपना इन्वेस्टमेंट अपने जिला मधुबनी में लगाए हैं, उसके रीजंस हैं।
तो आपने सुना कि इन्वेस्टर जो हैं बिहार से ही रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं, और वो अपना टेक्सटाइल कंपनी नोएडा में स्थापित किए हुए थे, लेकिन अब बिहार के दरभंगा जिला में वो अपना कंपनी खोलने जा रहे हैं, जिसके लिए उद्योग विभाग की तरफ से NOC पर साइन भी किया गया है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उद्योग विभाग अब इतना एक्टिव हो गया है कि हम लोग अब उद्योग विभाग से एक कंसल्ट लेके अपना कंपनी स्थापित करते हैं। लेकिन वहीं उद्योग विभाग के मंत्री समीर महासेठ जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग बिहारी लोग हैं और दूसरे प्रदेश में जाके, जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, वहाँ के प्रदेशों को अपना कार्य के कारण पहचान देते हैं, प्रदेशों की पहचान होती है, लेकिन जो बिहारी लोग हैं वही कहीं ना कहीं मार खाते हैं। लेकिन अब हम गुजारिश करते हैं कि जो बिहार से बाहर जो जा चुके हैं, जो लेबर हैं या जो अधिकारी हैं टेक्सटाइल कंपनी में या किसी भी कंपनी में, वो बिहार आके अपना कंपनी स्थापित करें, जिसके लिए हम गुजारिश कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर ये सुना कि समीर महासेठ ने कैसे जो बाहरी कंपनी है या बिहार के जो लोग हैं बाहर में जाके अपना कंपनी स्थापित किए हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि अब जो पुराना दिन था वो ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग चाहते हैं कि बिहार को जल्द से जल्द 3 साल के अंदर में टॉप 10 में स्थापित किया जाए और 5 साल के अंदर में 1-5 में स्थापित करने की बात कर रहे थे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।